बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल, मेन कैंपस, क्लास 5 एंड द सब्जेक्ट इज सोशल स्टडीज़। यूनिट नंबर 5, लेसन नंबर 6, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो टुडे वी आर स्टडीज अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात के कौन कौन से ज़राए हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द डिफरेंट इंफॉर्मेशन मीडिया, के डिफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन मीडिया है उनके नेम लिखें, कौन कौन से सोर्सेज हैं। नंबर 1, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, द इंटरनेट, द मीडिया एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, कि मीडिया जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में कैसे अपना रोल प्ले करता है। द आंसर इज, द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग पॉलिटिकल लीडर्स विद द मैसेज एंड द कन्वेइंग देयर मैनिफेस्टो टू द पब्लिक। मीडिया जो है वो अपने ख़ास किरदार अदा करता है पॉलिटिकल लीडर्स और मैसेज के दरमियान, ये जो है वो कनेक्टिंग इनको कनेक्ट करता है आपस में, और पॉलिटिकल लीडर्स के जो मैनिफेस्टो होते हैं यानी उनका जो मंशूर होता है वो आम पब्लिक तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रेडियो, रेडियो का जो मेन डिसएडवांटेज है एक वो कौन सा है। द आंसर इज, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रेडियो इज़ दैट प्रोग्राम्स आर ट्रांसमिटेड एट फिक्स टाइम विच पीपल मिस ड्यू टू अदर एंगेजमेंट, यानी रेडियो का एक डिसएडवांटेज ये है कि रेडियो के जो प्रोग्राम होते हैं उनकी जो ट्रांसमिशन होती है वो अपने एक फिक्स टाइम पे होती है, जो बाज़ुकात लोग जो है वो अपनी बाकी मसरूफियात की वजह से नहीं देख पाते। ठीक है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, डिफाइन मैस मीडिया, गिव टू एग्जाम्पल टू एलोबरेट योर आंसर्स। Answer is, source of information that reach and influence a large number of people are known as mass media. Example of mass media include newspaper and magazine. यानी मैस मीडिया कौन सा है, हमारे वो ज़राए जो हमारी पब्लिक तक पहुँचते हैं कौन कौन से हैं, मतलब लोकल जो हैं वो हमारी आम स्मॉल पॉपुलेशन को सर्व करते हैं, तो वो मैस मीडिया कहलाते हैं। और इनमें इसकी जो दो एग्जाम्पल हैं वो न्यूज़पेपर है और मैगज़ीन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट बॉदर फॉर्म ऑफ मीडिया सर्व स्मॉलर सेक्शन ऑफ द पीपल, द आंसर इज, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन दैट रिपोर्ट लोकल न्यूज एंड रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशन दैट ब्रॉडकास्ट ओवर स्मॉल एरिया आर नोन एज लोकल मीडिया। ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि हमारी आबादी के स्मॉलर सेक्शन को कौन सा जो है वो मीडिया सर्व करता है। ठीक है। कौन सा सोर्स जो है वो इनको सर्व करता है, तो इसमें सबसे पहले न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं जो हमारी लोकल न्यूज़ को रिपोर्ट्स करती हैं, और उसके बाद रेडियो एंड टेलीविज़न जो है वो हमारा लोकल मीडिया सोर्सेज में आते हैं। अब हम चलते हैं इसी यूनिट के MCQs की तरफ। नंबर 1 इज, डैश दैट रिपोर्ट लोकल न्यूज़। जैसे कि मैंने आपको यूनिट में बताया भी है, यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट, कि न्यूज़पेपर जो हैं वो हमारे लोकल न्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद 2 इज, डैश इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया, रेडियो। नंबर 2 टेलीविजन। नंबर 3 इंटरनेट। द राइट आंसर इज रेडियो। नंबर 3 इज, डैश इज़ वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ मीडिया, ऑप्शन नंबर 1 टेलीविजन, ऑप्शन नंबर 2 स्पीकर, ऑप्शन नंबर 3 रेडियो। द राइट आंसर इज टेलीविजन। 4th वन इज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रीचेज एंड इन्फ्लुएंस अ डैश नंबर ऑफ पीपल, बिग, लार्ज, स्मॉल। द राइट आंसर इज लार्ज। नंबर 5 इज, डैश कैन बी असेस्ड एट एनी टाइम, नंबर 1 इंटरनेट, नंबर 2 न्यूज़पेपर, नंबर 3 मैगजीन्स। द राइट आंसर इज इंटरनेट। थैंक यू स्टूडेंट्स।